Hey guys, welcome to Delhi Soup. युवराज अपना प्यार पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तभी तो युवराज सुहानी से सब कुछ कह देना चाहते हैं और वो कहते हुए नजर भी आने वाले हैं, जो सुहानी सुनना चाहती थी और युवराज कहना भी चाहते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुहानी सी एक लड़की के आने वाले एपिसोड के बारे में, जहाँ आप देख पाएंगे सुहानी की शादी में युवराज किस तरीके से थाम लेते हैं सुहानी का दामन। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं युवराज से कि ये सब माजरा क्या है। मैं जानता था कि किसी ना किसी दिन युवराज को सुहानी से कन्फेस करना होगा, पर वो इतनी सारी लाइनों के साथ होगा ये मैं नहीं जानता था। नहीं, युवराज ने ऑन अ सीरियस नोट जो 1.5 साल में नहीं कहा वो आज सुहानी से कह दिया। उसने वो हर चीज़ कही जो शायद सुहानी सुनना चाहती थी और वो कहना चाहती थी। बोथ वेज सुहानी का रिएक्शन वाज समथिंग दैट युवराज वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इनिशियली इन द सीन। लेटर ऑन जो उसको मिलता है वो तो सुहानी से चाहिए था उसे, पर सुहानी जितनी रियल है, कड़ूस है, उसने उतना ही टाइम लिया युवराज ये बोल देने के बाद भी। सो बट इट्स अ बिग 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 थिंग इन दिस शो, इट्स फॉर मी एंड सुहानी, फॉर युवराज एंड सुहानी, इट इज़ व्हाट वी बीन डूइंग फॉर 1.5 ईयर्स। हम 1.5 साल से युवराज और सुहानी यही कर रहे हैं, तो आज उसका कल्बिनेशन है। सुना आपने, लगता है युवराज ने अभी तक हार नहीं मानी है और वो अपने प्यार को वापस पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। भाई युवराज, हम तो सिर्फ आपको यही कहना चाहेंगे कि आप देर से जरूर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब जाहिर सी बात है, जब इतना सब कुछ हो रहा है तो रोहन भी चुप कैसे बैठ सकते हैं, वो भी अपने दिल का हाल कहते हुए नजर आएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है रोहन क्या करेंगे आने वाले एपिसोड में? तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं ये हंगामे भरा एपिसोड देखने के लिए, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। Hi, this is Raj Singh Arora. Hi, this is Divyanka Tripathi. You're watching Delhi Soap. And you're watching Delhi Soap. To know more, hit the subscribe button below and share your views in the comments below.